उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने उपायुक्त कार्यालय परिसर से कोरोना टीकाकरण के अगले चरण बारे जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर उन्होंने जिलावासियों से आग्रह किया कि कोरोना महामारी की रोकथाम एवं इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें ताकि जिला को पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त करने में सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के अनलॉक चरण के उपरांत अब स्कूल कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थानों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य कामकाज शुरू हो चुका है। ऐसे में लोगों को और सतर्क एवं सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे निश्चित दूरी, चेहरे पर मास्क एवं सैनिटाइजर अथवा साबुन से बार बार हाथ धोने जैसी सावधानियों को अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बनाएं ताकि इस महामारी को और फैलने से रोका जा सके। को पता है कि कोरोना महामारी का पूरा वर्ष जो है हमने उससे जूझा है और जिला हमीरपुर ने काफी हद तक इस कोरोना की महामारी पर नियंत्रण हासिल किया था और कुछ दिनों पहले तक हमारे जिले में जो है शून्य नए केसेस जो हैं वो उपलब्धि भी हमारे जिले ने हासिल की थी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इस महामारी के समय में कोई इस तरह की गारंटी नहीं है कि एक बार केस कम हो गए या खत्म हो गए तो उसमें दोबारा नहीं वृद्धि हो सकती। उसी के चलते हम फिर से देख रहे हैं कि 9 और एक्टिव केसेस हमारे जिले में फिर से उत्पन्न हुई हैं और लगातार जो है दूसरे राज्यों में या दूसरे शहरों में भी केसेस की फिर से वृद्धि होनी शुरू हुई है। तो आप सभी से फिर से अनुरोध है हमारा कि कोरोना महामारी के चलते जितने गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, भीड़ भाड़ से बचना और अपना हाथ जो है लगातार साबुन से या सैनिटाइजर के प्रयोग से साफ रखना, इन सभी गाइडलाइंस को निरंतर जो है वो फॉलो करते रहें। सभी से ये भी अनुरोध है कि जो भी पात्र व्यक्ति हैं, जो हमारे टीकाकरण अभियान में अपना हिस्सा जो है वो लेने के पात्र हैं, वो कृपया सामने आएं और अपना टीकाकरण करवाएं। जो व्यक्ति 1/1/2022 में 60 साल की उम्र जिनको होगी, उन सारे लोगों की जो है टीकाकरण करने की प्रावधान जो है सरकार ने किया है। इसी के साथ साथ 45 वर्ष के आयु से ऊपर जो भी ऐसे लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, वो अपने सर्टिफाइड जो है कोमॉर्बिडिटीज का सर्टिफिकेट जमा करवा के अपना रजिस्ट्रेशन करके टीकाकरण करवा सकते हैं। इस क्रम में समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा जो है सूचना उपलब्ध करवाई जा रही है और आगे भी हम करते रहेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि आम कामकाज, स्कूल कॉलेज ऑफिस सारे खुल चुके हैं, लोग अपने कामकाज के लिए इधर उधर आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोरोना के जितने गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए ही अपने सारे जो हैं कार्य करें ताकि आगे के समय में इस तरह के कोरोना के केसेस का विस्फोट या क्लस्टर जो है वो ना बने और हम सब निरंतर जो है अपने प्रयास में सफल हों और हमारे जिले को कोरोना मुक्त जो है जल्द ही पूरी तरह से कर पाएं। प्यार टीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।